इस वर्ष मोहर्रम और गणेश चतुर्थी एक साथ आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को आगामी त्योहारों को लेकर खरगोन जिले के गोगांव में सामुदायिक भवन पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। एसडीओपी भिकनगांव ने जिला एसपी के निर्देश को जनता के बीच रखा। एसडीओपी राजाराम अवस्या ने बैठक में उपस्थित लोगों को दोनों समुदाय के लोगों को चल समारोह के दौरान उपयोगी हथियार को प्रतिबंधित किया है। बैठक में नगर गणमान्य नागरिकों ने विशेषकर एक ही बात एक समय में दोनों समाज के लोगों ने सामंजस्य के साथ एक दूसरे का ध्यान रखते हुए त्यौहार मनाने की बात कही है। इस अवसर पर भिकनगांव एसडीओपी राजाराम अवस्या, गोगांव थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े, नायब तहसीलदार विजयेंद्र कटारे, अखाड़ों के सदर, झांकियों निकालने वाले सभी पैनल के युवा उपस्थित थे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। ये गणेश जी की स्थापना हुई है, मोहर्रम भी है, ढोल ग्यारस भी है, तीनों त्यौहार ये एक साथ आ रहे। इस संबंध में शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग ली गई है, त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और जो गणेश जी और मोहर्रम के आयोजक लोगों को बुलाया गया था वो अपने जहाँ भी स्थापना हुई है उनका ध्यान रखे, वहाँ कोई न कोई उपस्थित रहे, इस संबंध में जानकारी दी। जुलूस जलसा में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं रखेंगे। इस संबंध में शांति समिति के जितने भी सदस्य हैं, जो आयोजक है, उनको संदेश दी गई। मेरा नाम आर आवासिया एसडीओपी भिकनगांव। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।